अस्सलाम वालेकुम, लन ग्राफिक्स की तरफ से मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज हम शुरू करेंगे प्रीमियर प्रो। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कशन ये करना चाहूँगा डिस्कस कि प्रीमियर प्रो क्यों ज़रूरी है। कि मिसाल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं कि आपको प्रोडक्शन हाउस में जाना है, जॉब करनी है, तो आपको प्रीमियर प्रो ज़रूरी है, वरना जरे हमें अपनी फैमिली की वीडियो एडिटिंग करनी है या फेसबुक पे शेयर करनी है या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली को शेयर करनी है, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा आपको वीडियो मेकर है, फिल्मोरा है, मुआवी है, इन सॉफ्टवेयर को करें। एक बंदिया बंदे का ट्रेंड है, लोग सोचते हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है प्रीमियर प्रो का, ये नहीं, ये सही नहीं है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपका, सिर्फ अपनी, ये मैंने पहले से बोला कि आपको अपनी फैमिलीज की वीडियो एडिटिंग करनी है या ऐसी शौकिया लोगों को सुन सुनकर लोग शुरू हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रीमियर प्रो पर आएँ। आप अपनी फील्ड है, आपकी प्रोडक्शन हाउस के लिए जाना है, यानी अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आगे कुछ सीखना चाहते हैं, यानी वीडियो मेकिंग भी सीखना चाहते हैं, प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर बेहतर है कि आप प्रीमियर प्रो सीखें। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का मीन्स कि प्रोजेक्ट वो होता है कि जिसमें हम अपनी तमाम तस्वीरें डालते हैं, यानी पिक्चर डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम एक प्रोजेक्ट, इस एक फ़ाइल को प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। सबसे पहले यहाँ फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम मीन्स जो आप अपने फ़ोटोशॉप में नाम रखते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पर आप, जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर प्रीमियर क्लासेस, और ये आप जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहें, जैसे मैंने बनाया हुआ है प्रीमियर क्लासेस का पहले से एक फोल्डर बना लिया है। सिंपली आप यहाँ फोल्डर को सिलेक्ट करें, उसके बाद हम आ जाते हैं जैसे रेंडरिंग का देख रहे हैं, जनरल है और इससे पहले जनरल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें जनरल में सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर रेंडर में। रेंडर में ये देख रहे हैं मरकरी प्लेबैक इंजन सीपीयू एक्सेलरेशन कोडा, ये उन लोगों के पास ज़्यादातर शो होता है, यानी जिनका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ हो, यानी ये ग्राफिक्स कार्ड होगा तो ये होता है कि रेंडरिंग में आसानी हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन आपको पास अच्छे तरीके से देता है। जैसे नहीं है कि इन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ, कोई मसला नहीं है, तो जिनके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है उनके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मगर ये है कि सब प्रीमियर प्रो फिर आपका सिस्टम से वो आपके एक्सेलरेशन करेगा, मगर सिस्टम से एक्सेलरेशन होती है आप जानते हैं कि बहुत स्लो करता है। उसके बाद ये आ रहा है टाइम कोड वगैरह, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखेंगे कि टाइम कोड वगैरह क्या है। ऑडियो में है देख रहे हैं, ये मिली सेकेंड ऑटो सैम्पल वगैरह इस चीज़ को छोड़ दें। इसी तरह कैप्चर का दिया हुआ है, कैप्चर भी हमें अभी कोई चीज़ फिलहाल कोई कैप्चर नहीं करनी, यानी ये चीज़ DV वगैरह इसलिए इस्तेमाल होता है, टेप वाला कैमरा आता था उसको फिर हम लेकर आते थे, उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करते थे। आज सिंपली मेरा मकसद ये है कि मैं आपको प्रीमियर प्रो का इंट्रोडक्शन दूँ। ये सबसे पहले तो इतने सारे लोग, इतने सारे ये विंडोज़ देखकर कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, ये जो फर्स्ट टाइम जो प्रीमियर प्रो देखते हैं बोलते हैं भाई ये क्या है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें भी काम की हैं, फिर इसमें टेंशन ना लें, परेशान ना हो। सब विंडो का अलग अलग काम है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं, यानी किसी में प्रोडक्ट आ रहा है, किसी में सोर्स वगैरह है। चलाएं सबसे पहले देख लेते हैं, चले अपने इंटरफेस को सही कर लेते हैं, टेंशन ना ले, ये देखें अगर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर किसी का आगे पीछे हुआ हुआ है, तो यहाँ जाकर विंडो में जाकर वर्कस्पेस में जाकर ऑल पैनल कर दें, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा खुला हुआ मैं चाह रहा हूँ उसको बंद कर दूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप अपने विंडो को एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, यानी जिस तरह चाहें आप इसमें आसानी कर सकते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ये आ रहा है ये प्रोजेक्ट प्रीमियर क्लासेस का जो मैंने फोल्डर बनाया था। यहाँ होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अपनी तस्वीरें, कोई वीडियोस वगैरह हैं, कोई और वीडियो उठाकर लाकर इसमें रखनी है और एडिटिंग करनी है, तो सिंपली इसमें ये का डबल क्लिक करें, ये बहुत सारी तस्वीरें वगैरह आ रही हैं, तो मैं उसको ये जैसे मेरी फोल्डर में मैंने रखा था, इसको मैं एक सेकेंड, मैंने वीडियो का फोल्डर बनाया, ये मेरी आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, यानी जिफ वाली भी है और बनाई हुई थी मैंने, तो यानी मैंने फोल्डर बनाया हुआ है कि तमाम क्लासेस को मैं एक फोल्डर के अंदर यहीं रखता हूँ। तो मैं ये देख लेते हैं, यानी कि ये वो वीडियो या नहीं देख लेते हैं। तो ये करने के बाद ये आपकी प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करेगा, यानी इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ पर आ गए, ये मेरी जिफ की वीडियो है कि किस तरह जिफ बनाते हैं, अगर देखा होगा मेरे चैनल पर। और उसके बाद ये है कि अगर आप इसका प्रीव्यू भी देखना चाहें तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करें, ये आ जाती है सोर्स विंडो, तो सोर्स विंडो में जाकर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सोर्स विंडो में एक और भी फ़ायदा है कि आपको जैसे हम वीडियो में ये होता है कि पूरी की पूरी ये टाइम लाइन है, यहाँ पर आप ये है कि पहले मैं सोर्स वीडियो की बात कर रहा था कि आप प्रीव्यू देख सकते हैं, उसके बाद मैं आ जाता हूँ ये है टाइम लाइन। टाइम लाइन में यह है कि 6 महीने बनती है, यानी प्रोजेक्ट पूरा अपने फाइनली आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर एडिट होता है। सिंपली जैसे आउट ऑफ फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर के अंदर हम करते थे इसी तरह है। और इसके ऊपर ये जो आपको दिया पूरा वीडियो में, इसमें ये होता है कि जो आप यहाँ फाइनल एडिट करते हैं इसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिख रहा होता है। तो हम वापस सोर्स वीडियो में आ जाते हैं, सोर्स विंडो में, तो इस फोर्स विंडो में ये है कि जैसे इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए कि आपको पूरी वीडियो जरा टाइम लाइन में लानी है, एडिटिंग करनी है, छोटी सी वीडियो कट करके रखनी है, तो इसमें सिंपली जो था हमने यहाँ पर कट का क्लिक किया, जितना भी चाहिए आपको, आप देख रहे होंगे ये हमने क्यों करा, इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम लाइन में आ गया, ये देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो हमने जो कट करके हमने यहाँ रखी है, ये इसकी वीडियो यहाँ पर आ रही है, ये देखें पूरी इतनी वीडियो। और ये है इसकी ऑडियो, और इसके अंदर हम इस वीडियो में टाइम लाइन के अंदर हम कुछ भी एडिटिंग करते हैं या कुछ भी हम चेंजिंग करते हैं, तो उसकी सिंपली हमारी वीडियो के अंदर, जैसे मैं इसको वीडियो को यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, ये देखें कुछ भी चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो वो सिंपली आपको यहाँ पर पूरा विंडो में जो हम चेंजिंग करेंगे वो आपको फाइनलाइज होगा, यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। और टाइम लाइन के अंदर एक और चीज़ हम नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हैं, इसमें ज़्यादातर बहुत सारे और भी बन सकते हैं ट्रैक, मगर ये मेजर जो होते हैं तीन जो हैं ये आपके होते हैं वीडियो ट्रैक तीन शुरू के, और ये आखिरी के तीन होते हैं ये ऑडियो ट्रैक होते हैं। इसमें साथ साथ आप किसी भी तरह हम चाह रहे हैं कि वीडियो में की ऑडियो को मैं ख़त्म कर दूं या बंद कर दूं, तो जिधर वीडियो ये चल रही है इसको वीडियो को बंद कर दूं, हम नहीं देखना चाहते तो वीडियो को छुपाना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई और वीडियो रखते हैं, मिसाल तौर पर आपने कोई और वीडियो रख दी है यहाँ पर और ये इस वीडियो को आप हाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखें आपकी पूरी की पूरी वीडियो हाइड हो गई। टाइम लाइन के अंदर यहाँ पर आप अपनी पर्सनली सिक्वेंस ही बना सकते हैं यहाँ पर, मगर अभी हमें सिक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे, यानी सिक्वेंस का मतलब आपको कितनी रेजोल्यूशन रखनी है, कितनी चीज़ रखनी है, एच डी वीडियो की आपको पता है उसका साइज़ होता है 1920x1080, इसके हिसाब से हर उसके लिहाज से आप यहाँ का सिक्वेंस बना सकते हैं, ये ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट वीडियो के अंदर दिए हुए, इसको हम क्लास इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम मेरा मकसद सिर्फ आपको प्रीमियर प्रो का इंट्रोडक्शन देना था आज की क्लास में, और हम सिक्वेंस भी हम बना सकते हैं, सिर्फ सिक्वेंस की वीडियो बाद निकली थी, मगर हम इसको उठाकर भी हमें जो हमने वीडियो रखी खुद ब खुद टाइम लाइन के अंदर उसकी सिक्वेंस खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद क्रिएट हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी इस क्लास ये क्लास पसंद आई होगी, मेरा इस क्लास में सिर्फ आपको डैश सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो मैं बहुत कुछ इंट्रोडक्शन है आज, तो बहुत कुछ बाकी है। और जिन लोगों ने आज तक अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो
मेरा सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आपको मेरी वो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके।